देखो बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब हमने क्लास 11th में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा, ये निकालना हमने सीखा हुआ है। लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हम उसकी हेल्प से डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, अगर आपको बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, तो आप क्या करोगे, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है तो, अब अगर मान लो आपको मोलर कंडक्टिविटी गिवन नहीं है, क्या गिवन है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तब भी आप अल्फा निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा ई क्यू अपॉन लेमडा नोड ई क्यू। यहाँ पे मैं सी यूज कर रहा हूँ, मतलब ये किसी कंसंट्रेशन पर गिवन मोलर कंडक्टिविटी है और ये इक्विवेलेंट। यहाँ पर हम नोड यूज कर रहे हैं, मतलब नोड कब यूज करते हैं, इन्फिनिट डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन लगभग कितनी हो जाती है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी सकता हूँ, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन हमें गिवन है उस पर। और ये क्या होती है, आप लोग जानते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, बस डिवाइड करना है, अल्फा आ जाएगा। अब बच्चों हम तो ये जानते हैं ना कि लेमडा एम इज इक्वल टू, अब अगर मान लो आपको लेमडा एम गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, लेमडा एम, तो आपको क्या गिवन होगा, कप्पा कंडक्टिविटी। और हम तो जानते हैं लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। तो अगर आपको ये वैल्यू गिवन नहीं है, ये ना गिवन होकर अगर आपको ये दोनों गिवन है, तब भी आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकाल सकते हो। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, चेंज, और फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, किसकी वैल्यू आ गई, लेमडा एम की, ये या तो आपको गिवन होगी, अगर ये वैल्यू अगर आपको गिवन नहीं है, तो इनके केटाइन और एनाइन की वैल्यू गिवन होगी, तो क्या हो जाएगा, लेमडा नोड सी प्लस लेमडा नोड ए। सिखाया था मैंने आपको कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन, और इसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, अब उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन नहीं है, लेकिन किसकी गिवन है, केटाइन की, सोडियम की और Cl- N9 की, उन दोनों को जोड़ दो वैल्यू आ जाएगी, क्लियर बात है। सेम वही चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, लेमडा ई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। तो आप लोग चाहो तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और यहाँ क्या हो जाएगा, वही लेमडा ई क्यू फॉर केटाइन और लेमडा नोड ई क्यू फॉर एनाइन। बात क्लियर हो गई। तो बच्चों ये है हमारी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, और इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालनी है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये वही टॉपिक है जो हमने क्लास 11th में सीखा था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्लास 11th हमारा क्या है, बेस।
तो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, या तो सोल्ट होगा या एसिड होगा या बेस होगा। हम इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे माना कि फॉर अ वीक एसिड के लिए निकाल रहा हूँ मैं, कौन सा मान लिया एच ए, क्या है ये मोनोबेसिक एसिड है, कौन सा एसिड है मोनोबेसिक, मोनोबेसिक का मतलब जो एक एच प्लस रिलीज करता है, डाइबेसिक का मतलब जो दो एच प्लस रिलीज करता है। एच ए जब ये वाटर के अंदर जाता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, क्या बनाएगा एच प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस। हम क्या मानते थे कि माना इनिशियल इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है सी, या हम क्या मान सकते हैं वन, मैं क्या मानता था वहाँ पे वन सी मानो, और एट इनिशियल जब ये डिसोसिएट नहीं हुआ तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी मानूंगा मैं जीरो जीरो, तो एट इक्विलिबीरियम। यहाँ पे इक्विलिबीरियम क्यों आ गया, क्योंकि क्या है ये वीक, और वीक कभी भी कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, इसलिए उनके बीच में इक्विलिबीरियम इस्टेब्लिश हो जाती है। कुछ याद आ रहा है क्या, तो अब इसमें से कुछ जाएगा अल्फा, और उतना ही जाता है जितना इसका हो सी माइनस सी अल्फा, जितना इधर से डिसोसिएट होता है उतना ही उधर बनता है। अगर मैं C को यहाँ कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब याद करो हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते थे, ये एसिड है इसलिए मैंने इसके कांस्टेंट को क्या मान लिया के ए, डिसोसिएट हो रहा है इसलिए क्या कहते हैं इसको डिसोसिएशन कांस्टेंट, अदरवाइज हम क्या बोलते थे इक्विलिबीरियम कांस्टेंट के ए। और आप जानते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, याद आ रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलते थे, इस प्रकार से हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन आता था, मैं सीधा लिख रहा हूँ उस चीज को, आता था क्या, अगर यहाँ पर इनके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट होते तो वो कहाँ आ जाते, पावर में आ जाते, है नहीं लगाई नहीं, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख दो, H प्लस की वैल्यू कितनी है, A माइनस की, H A की, ये आ गया हमारे पास K, तो हमारे पास K A क्या आ गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C वन माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो गया तो K कितना आ गया C अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा, ये हमारे पास K A का फॉर्मूला आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट का, आ गया, ठीक है। अब बच्चों हम इसको तो याद ही रख सकते हैं, और मैंने क्लास 11 में कहा था कि फॉर मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस, इनके लिए तो आप लोग याद रख लो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, वहाँ पे मैंने वन माइनस अल्फा यूज़ नहीं करवाया था, क्यों, क्योंकि जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट होता है तो वन इज ग्रेटर ग्रेटर देन अल्फा, इस कंडीशन में क्या हो जाता है के ए सी अल्फा स्क्वायर, लेकिन जब भी आप इसको हटाओ तो ध्यान दे लेना आपका अल्फा कितना है, अगर आपके अल्फा की वैल्यू कितनी है याद रखना 5% से कम है, या मैं कहूँ 0.05 से कम है, तब तो आपको 1 माइनस अल्फा यूज़ नहीं करना। ये केवल कब करोगे आप, जब अल्फा कितना आएगा आपका 5%, या कितना आएगा 0.05 या इससे कम, जब ये आएगा तब तो आपको 1 माइनस अल्फा यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आपका अल्फा 5 की जगह 6% आ रहा है, 10 आ रहा है, 12, 20 आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा। देखो बच्चों समझेंगे, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 8,
इनफाइनिट डाइल्यूशन, 390.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और 4.01 कंसंट्रेशन, लिमिटिंग नहीं है, कौन सी है, मोलर, 4.01 m मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, 3.907 क्या पूछा है, अल्फा और पीएच। सीधा फॉर्मूला है, मैंने अभी भी बताया, अगर आपको अल्फा निकालना है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो क्या फॉर्मूला होता है, लेमडा सी एम अपॉन लेमडा नोड एम। मोलर कंडक्टिविटी फॉर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी फॉर इनफाइनिट डाइल्यूशन, कितनी गिवन है ये, 3.907। कितनी गिवन है ये, 390.7। कितनी आ गई, 0.01। ये क्या आ गया हमारे पास, अल्फा। पूछा क्या है, पीएच, और मैंने क्या कहा, पीएच निकालने के लिए हमेशा एच प्लस कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। कैसे निकाले हम, अब एच प्लस कंसंट्रेशन निकालने के मैंने आपको कुछ फॉर्मूले क्लास 11th में बताए थे, आ रहा याद, बताए हुए थे, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ वापस वैसे ही। CH3COOH वाटर में जब टूटेगा क्या बनाएगा, ठीक वही सी जीरो जीरो सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा या फिर सी वन माइनस अल्फा। तो मुझे सीधा पता चल गया कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, राइट है। या फिर मैंने आपको कहा था अगर बच्चों उसने अल्फा नहीं दिया हो तो फिर हम H प्लस की कंसंट्रेशन कैसे निकालें, अल्फा नहीं दिया हो, क्या दिया हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए दिया हो, क्या दिया हो, के ए, हम तो जानते हैं 4 KA क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा करवाया हुआ है, अभी जस्ट लिखता हूँ डायरेक्ट C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, के ए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी, अगर मानो ज़्यादा है ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के सी। तो अल्फा क्या हो गया, रूट के ए सी, याद आ रहा है क्या, मैंने क्लास 11 में कहा था अगर वहाँ अल्फा गिवन नहीं है और क्या गिवन है, के ए, तो आप एच प्लस की कंसंट्रेशन ऐसे भी निकाल सी रूट के ए सी, और सीधा अब आपको याद आएगा, हाँ सर ये आपने फॉर्मूला सिखाया था, याद करवाया था, ठीक है आ गया। चलो लेकिन हमारे पास यहाँ तो क्या गिवन है, अल्फा गिवन है, तो एच प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो गई, सी अल्फा। तो सीधा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस सी कंसंट्रेशन क्या वैल्यू है, 0.01 मतलब 10^-2। अल्फा कितना है, 10^-2, यानी कि एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 10^-4, और पीएच क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, कितना आंसर आ जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4, ये आ गई हमारे पास पीएच। कोई भी डाउट हो तो बताओ, क्या गिवन है हमें, कंडक्टिविटी न कि मोलर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा। तो बच्चों हमें क्या गिवन है, कंडक्टिविटी, इतनी मोलेरिटी एसिटिक एसिड की वैल्यू है 4.95 × 10^-5, आपको यूनिट से भी मालूम पड़ रहा होगा, ठीक है। और क्या गिवन है, ये अब हमारे पास अल्फा निकालने का फॉर्मूला यही तो है, लेमडा एम अपॉन लेमडा नोड एम।
मैं यहाँ सी लगाऊँ या नहीं लगाऊँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी का मतलब फॉर कंसंट्रेशन। अब बच्चों क्या हमें मोलर कंडक्टिविटी गिवन है क्या? नहीं। लेकिन हमें क्या गिवन है? कप्पा। तो मैंने क्या कहा था, कप्पा गिवन हो तब भी हम ऐसा कर सकते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ये, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम इंटू लेमडा नोड एम, हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा ना। अब कप्पा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4.95 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5 इंटू 1000, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, वो रही 0.0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, 1.028, ठीक है। 1 तो कितना आ गया बच्चों, 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3 इंटू लेमडा नोड एम की वैल्यू कितनी है, 390.5, ठीक बच्चों। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास अल्फा कितना आएगा, 0.12। तो बच्चों हमारा जो आंसर है अल्फा वो लगभग कितना आ गया, 0.12 आ गया। लगभग क्यों मैं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1.028 को सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए मैंने वो कहा था, 1.028 को मैं क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ। तो ये इजीली हमारे पास अल्फा आ जाएगा 0.12, अल्फा आ गया ना। अब हम जानते हैं कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड, और इसके लिए के ए की वैल्यू क्या होती है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है। अगर मोनोबेसिक के अलावा कुछ और होता तो फिर हमें के ए दोबारा से निकालना पड़ता, लेकिन ये हमें याद है मोनोबेसिक के लिए, अभी दो बार मैं आपको लिखा चुका हूँ। तो बच्चों सी कंसंट्रेशन कितनी है, ये रही 1.028 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3। अल्फा स्क्वायर कितना है, अल्फा स्क्वायर 0.12। बच्चों मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12% है। तो क्या मैं 1 माइनस अल्फा को 1 मान सकता हूँ क्या, नहीं मान सकता, तो मुझे यहाँ अल्फा को माइनस करना ही पड़ेगा। और ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1.028 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 3, 12 इंटू 12 कितने होते हैं, 144, तो ये कितना हो गया, 0.0144 अपॉन 0.88, 1.63 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 5, ये हो गई हमारे के ए की वैल्यू, लिख लो। तो ये है हमारे पास कोलराउस एप्लीकेशन का लास्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फॉर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। देखो बच्चों स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते ही क्या है, जो वाटर में बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, बहुत कम सोल्यूबल का मतलब क्या हुआ, सोल्ट तो होते हैं बट क्या होते हैं, ये बहुत कम सोल्यूबल होते हैं, तो इनको हम एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ट्रीट कर सकते हैं ना। जो कम्प्लीटली आयोनाइज वो तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। जब ये बहुत कम सोल्यूबल है मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, कम है, 100% तो नहीं है, उससे कम ही है, तो मतलब क्या मानेंगे हम इनको, वीक। तो हम ये कंसेप्ट इन यहाँ लगा सकते हैं। क्या आपने क्लास 11th में टॉपिक पढ़ा था, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों आप लोग मुझे ये बताओ कि वहाँ पर हमने कौन कौन से सोल्ट ऐसे थे जो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। मैं कुछ नाम लिखा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI, बेरियम सल्फेट, ये सब क्या होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। देखो बच्चों अगर मान लो मुझे स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए क्या निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी, तो फॉर्मूला क्या होता है,
बताओ क्या फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी का, जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। बट हम तो जानते हैं फोर स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, इसकी जो सोल्यूबिलिटी होती है उसी को हम एज अ मोलेरिटी कंसिडर करते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच इज डिजोल्व इन गिवन स्पेसिफिक सोलवेंट, मतलब जितना डिजोल्व होना था उतना हो गया, उससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता, तो हम इसकी सोल्यूबिलिटी को ही एज अ मोलेरिटी। तो मैं यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? सोल्यूबिलिटी। अब मुझे बताओ बच्चों, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है मतलब बहुत कम सोल्यूबल है, थोड़ी सी अमाउंट सोल्यूबल है, चाहे कितना ही पानी हो चाहे कुछ भी हो। तो जिसकी अमाउंट बहुत कम सोल्यूबल होती है उसको मैं क्या मान सकता हूँ? इन्फिनिट डाइल्यूशन। सपोज करो मैंने 1 लीटर पानी लिया, उसमें इसको डिजोल्व किया, बट ये तो क्या होगा डिजोल्व? बहुत कम होगा, तो उसके लिए तो 1 लीटर पानी क्या हो गया? इन्फिनिट या इन्फाइनिट डाइल्यूशन हो गया। तो बच्चों इसके लिए हम सीधा लेमडा एम नहीं निकालते, सीधा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि 8 सेचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसके लिए? स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए हम लेमडा एम को क्या मान सकते हैं? तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन पे लेमडा एम को हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा नोड एम, क्योंकि स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट बहुत कम सोल्यूबल होता है, इसलिए इसको हमेशा डाइल्यूशन को इनफाइनिट माना जाता है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? ठीक है, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी मुझे किसकी चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर बहुत कम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मिला होता है, तो मुझे किसकी चाहिए यहाँ पर? कप्पा सेचुरेटेड सॉल्यूशन की। लेकिन क्या हम कंडक्टिविटी सेचुरेटेड सॉल्यूशन की लेंगे तो सही आएगी? नहीं आएगी। क्यों? उसमें ये बहुत कम मिला हुआ है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसकी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में से वाटर की जो कंडक्टिविटी है उसको माइनस कर दूंगा इनटू 1000 अपॉन एस। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंडक्टिविटी ऑफ वाटर गिवन नहीं है तो फिर आपका फॉर्मूला सीधा यही होगा, ये वाला फॉर्मूला, तब आपको माइनस नहीं करना। यहाँ के एस का मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमें ये गिवन है तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? सोल्यूबिलिटी। और अगर हमें सोल्यूबिलिटी आ गई तो हम क्या निकाल सकते हैं? सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लो फॉर AgCl सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? KSP कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। लेकिन अगर मान लो मुझे निकालनी है 4, या फिर मान लो कुछ और ले लेता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए क्या हो जाएगी बच्चों? KSP एल्यूमिनियम +3 इंटू OH-3। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हम यहाँ कंसंट्रेशन को एज अ सोल्यूबिलिटी ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन यूज नहीं करेंगे। स्पेरिंगली बस सोल्यूबल सोल्ट के लिए यहाँ पर क्या आएगा? सोल्यूबिलिटी। तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई थी, क्या याद करो,
KSP निकालने की ट्रिक लिखाई थी। KSP क्या? X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y। क्या आपको ये ट्रिक याद आ रही है? तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? अगर मेरे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो इसके लिए KSP क्या हो जाएगी? कितना? ये तो 1 ही है, 1 की पावर 1, 3 की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3। तो बच्चों KSP क्या हो जाएगी? 27 s^4। अब हमारे पास क्या है? सोल्यूबिलिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? KSP। तो सीधा हम सोल्यूबिलिटी से KSP निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन गिवन है कंडक्टिविटी ऑफ सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड गिवन है। कितना? 8.57 × 10^-7 लेमडा नोड Ag प्लस लेमडा नोड Br- गिवन है। और क्या पूछा है? KSP। आप लोग KSP तभी निकाल सकते हो जब आपके पास क्या हो? सोल्यूबिलिटी, या फिर सिल्वर की और ब्रोमाइड की सोल्यूबिलिटी अलग से हो। ठीक है, तो अगर बच्चों हमें KSP निकालना है तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी? सोल्यूबिलिटी। हमें पता है लेमडा नोड M इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सेचूरेटेड सॉल्यूशन। क्या आपको कंडक्टिविटी ऑफ वाटर गिवन है? नहीं गिवन, तो माइनस नहीं करनी, इनटू 1000/, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? कप्पा S इनटू 1000/ लेमडा नोड M। कप्पा S कितना गिवन है? 8.57 × 10^-7 × 1000। क्या आपको लेमडा नोड M गिवन है? नहीं गिवन, लेकिन इन दोनों की गिवन है और हमें पता है इन दोनों को जोड़ देंगे तो लेमडा नोड M आ जाएगा। फिर लेमडा नोड M क्या बन जाएगा? लेमडा नोड Ag प्लस प्लस लेमडा नोड Br-। तो क्या हो जाएगा? 62 + 68। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई? 8.57 × 10^-4 130, और हमारे पास हो गया 6.5 × 10^-6। ये हमारे पास क्या आ गई? सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? KSP। तो लगा दो हमारा फॉर्मूला। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया KSP निकालने की सिंपल ट्रिक, X पावर X, Y पावर Y एंड S X प्लस Y। आपको केवल देखना है कि वो कितने केटाइन और कितने एनाइन है। इसको हम X मान लेते हैं और इसको Y। तो 1 की पावर 1, तो S की पावर 1 + 1। तो क्या आया? KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो KSP क्या हो गया? S स्क्वायर। कितना है हमारे पास? 6.5 × 10^-6 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 42.25 × 10^-12 आंसर लिखो।